दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि डी फार्मा क्या होता है, डी फार्मा कौन कर सकता है, एडमिशन कैसे मिलता है, तो वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा के बारे में। बात करेंगे डी फार्मा क्या होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी डी फार्मा कोर्स से रिलेटेड। आइए सबसे पहले बात करते हैं डी फार्मा यानी कि डी फार्मेसी के बारे में। दोस्तों, डी फार्मा का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, इसे शॉर्टकट में डी फार्मेसी भी कहते हैं। ये एक डिप्लोमा कोर्स है फार्मेसी के फील्ड में। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एज अ फार्मासिस्ट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर सकते हैं, या फिर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो वही दोस्तों, बात करते हैं डी फार्मा कितने साल का होता है। दोस्तों, डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स 2 साल यानी कि 2 ईयर्स में कंप्लीट होता है। 2 साल का कोर्स होता है, इसे आप आफ्टर 12th कर सकते हैं, यानी कि 10+2 अगर आपने कंप्लीट कर लिया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए, साइंस स्ट्रीम में अगर आपने 12th कंप्लीट किया, आपने चाहे पीसीबी से 12th कंप्लीट किया है या फिर आपने पीसीएम से 12th कंप्लीट किया है, आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एज की बात करें तो आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष यानी कि मिनिमम 17 ईयर्स एज होनी चाहिए, तभी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आइए दोस्तों, बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। दोस्तों, डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा कोर्स में एडमिशन 2 तरीके से होता है। एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड यानी कि प्रवेश परीक्षा के आधार पर, मेरिट बेस्ड यानी कि मेरिट के आधार पर। अधिकतर टॉप एंड गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा के आधार पर होता है। कुछ प्राइवेट एंड कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो मेरिट के आधार पर यानी कि मेरिट बेस्ड एडमिशन देते हैं। अधिकतर टॉप एंड गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं, इनमें आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद ही एडमिशन मिलेगा, ये चीज़ आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। दोस्तों, इसके लिए स्टेट लेवल एंड यूनिवर्सिटी लेवल के एंट्रेंस एग्जाम कराए जाते हैं। अलग अलग स्टेट में इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ भी अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं, जिसको क्लियर करने के बाद आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, डी फार्मेसी कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मेसी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले आपको ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि आप जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी से डी फार्मा कोर्स करने जा रहे हैं वो PCI यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है या फिर नहीं। अप्रूव्ड यानी कि मान्यता प्राप्त होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पता करना चाहते हैं कि ये कॉलेज या फिर ये यूनिवर्सिटी PCI से अप्रूव्ड है या फिर नहीं, तो आप PCI यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर आप अप्रूव्ड कॉलेजेस या फिर अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देख सकते हैं। अगर वहाँ पर वो कॉलेज या फिर वो यूनिवर्सिटी का नाम मिल जाता है तो समझिए वो कॉलेज अप्रूव्ड है यानी कि मान्यता प्राप्त है। तो उस कॉलेज या फिर उस यूनिवर्सिटी से आप डी फार्मा कर सकते हैं, तो आपका जेन्युइन माना जाएगा यानी कि वो आपका वैलिड होगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा एडमिशन लेने से पहले। दोस्तों, अगर हम बात करें फ़ीस की, तो ये जो फीस है ये अलग अलग कॉलेजेस एंड अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होती है, इसलिए एक सही फ़ीस बता पाना, बिल्कुल एग्जैक्ट फ़ीस बताना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आप जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी से डी फार्मा करना चाहते हैं, आप उसकी फ़ीस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप उस कॉलेज या फिर उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके फ़ीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि डी फार्मा में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि डी फार्मा 2 साल का कोर्स है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट के बारे में। तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि कुछ इस तरीके से हैं: फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट, फार्माकोग्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके अलावा दोस्तों, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, तो ये सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट की, तो वो कुछ इस तरीके से हैं: फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड, फार्माकोग्नोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल जुरिसप्रूडेंस, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। इसके अलावा लास्ट सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। जो सिलेबस है ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कुछ वैरी कर सकता है, बट मैक्सिमम देखा जाता है तो डी फार्मा में यही सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। आइए बात करते हैं डी फार्मा करियर ऑप्शंस के बारे में। दोस्तों, डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप किसी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर पोस्ट पर भी आपको जॉब मिल सकता है। किसी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट पर आप कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, साइंटिफिक ऑफिसर या फिर प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव का पोस्ट भी आपको मिल सकता है, या फिर आप चाहें तो आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होता है।
तो बहुत सारे करियर ऑप्शन है, बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स है आफ्टर कम्प्लीटिंग डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर कि आप किस फील्ड में किस पोस्ट पर कार्य करना चाहते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को, एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे एंड हर एक वीडियो को आप देख पाएंगे। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर कोई सजेशन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।